हेलो प्यारे छात्रों, एक ऐसा गणित का प्रश्न जो अक्सर सभी परीक्षाओं में, चाहे होम एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। चलिए उस प्रश्न से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। प्रश्न है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग का मतलब वह किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। तो वैसे जनरली हम लोग चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जानते हैं, क्या होती है? 9999। जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है उसमें 999 लगा देना है। क्या 9999 किसी भी संख्या का वर्ग है? यदि आप लोग इसको निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और निकाल करके पता करेंगे कि किस संख्या का ये वर्ग है, तो शायद इसका मान आप लोग ना निकाल पाए। पूर्ण वर्ग की बात की कर रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कौन चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी? चलिए आज उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लिखेंगे चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, नौ हजार नौ सौ निन्यानवे। अब 9999 का हम वर्गमूल निकालेंगे, भाग भी निकालेंगे 9999। यदि आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना ना आता हो तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि, उसमें बताया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो अब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अंतिम से इसके जोड़े बनाना है। अब इसमें यह देखना है कि किस संख्या का वर्ग 99 के आसपास हो, 99 से ज्यादा ना होने पाए, 99 के आसपास आ जाए। तो वर्ग याद होना चाहिए, जैसे कि 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो 10 का वर्ग 100 ज्यादा हो जाएगा 99 से, तो 9 के वर्ग यानी 81 जो है जाएगा, 9 का वर्ग इसमें सुटेबल होगा। तो 9 का वर्ग लिख दीजिए, 9 का वर्ग क्या होगा, 81। घटाएंगे, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1, और अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे, फिर इनको जोड़ देते हैं। 9 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18। अब इसमें जो है हम 18 के आगे ऐसी कौन सी काउंटिंग लगाएं दो बार और गुणा कराएं जिससे कि 1899 के आसपास आ जाए या उससे कम आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप लोग इसमें गुणा करा दीजिए, सबसे बड़े अंक का 99 का, सबसे बड़े अंक 9 का गुणा करा दीजिए। तो 9 ने 81, 9 8 72, 72 8 80, 9 1 9 8 17, 1701 आया। अब देख रहे हैं ये छोटा भी है, ये संख्या छोटी भी है, और 10 बार में हमको ले नहीं जाना, 9 तक ही हमको ले जाना रहता है, तो ये 9 बार में जाएगा। कितना लिख गया, 9 1701। अब घटाएंगे, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8, 9 में 0 घटाएंगे 9, 8 में से 7 घटाएंगे 1, यानी 198 जो है, 198 जो है ये शेष बचा है। तो जो यानी 198 शेष बचा है, तो 198 जो एक्स्ट्रा है
इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इस संख्या से घटा देंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग होगी और वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी चार अंकों की। चलिए तो लिखेंगे, अतः चार अंकों की, अतः चार अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9999 बड़ी बड़ी संख्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो 198 जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको घटा देंगे। तो 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में 1 घटाएंगे 8 और 9 बचा तो 9801। यही संख्या है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा वर्गमूल निकलेगा, दशमलव में कोई भी मान नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इस सवाल को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर आप इसको अच्छे से कर ले जाएं और एक नंबर आप लोग अपना बढ़ा लें।